आज की इस क्लास में हम बात करेंगे फ्रैक्शन को कैसे हम कंपेयर करते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। फ्रैक्शन के बारे में हम दो लेक्चर देख चुके, शेडेड पोर्शन वाला भी हम कर चुके, लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन सबको हम देख चुके। अब आज हम फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं उसके विषय में हम सीखेंगे और जानेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिजिट्स में नंबर्स को तो हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर का मतलब कि कौन छोटा है कौन बड़ा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता होगा। लेकिन डिजिट्स में नंबर्स में कि जैसे लिखा है 5, 8 और 9, इसमें अगर हम आपसे कहें कि कौन सा फ्रैक्शन, इसमें अगर हम आपसे कहें कि कौन सा नंबर छोटा है स्मॉलेस्ट है कौन सा नंबर लार्जेस्ट है, आप बता देंगे कि 5 क्या है ये स्मॉलेस्ट नंबर है, 9 क्या है लार्जेस्ट नंबर। लेकिन अगर यही चीज हम फ्रैक्शन में लिखें तो हम फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करेंगे, इस लेक्चर में हम आज इसी को सीखेंगे। तो इसमें अलग अलग टाइप हमने डिवाइड कर रखे हैं। पहला टाइप हम देखते हैं टाइप 1 में, व्हेन डिनोमिनेटर आर लाइक, मतलब कि ऐसे कई फ्रैक्शन दिए हुए हों जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, उसको हम कैसे कंपेयर करते हैं। देखो 5/4, 2/4, 1/4, ये सभी क्या है लाइक फ्रैक्शन है। क्यों लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर सेम है। इसको कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जिसका न्यूमरेटर स्मॉल होगा वो फ्रैक्शन स्मॉल होगा। तो देखिए 5, 2 और 1 में सबसे स्मॉल न्यूमरेटर किसका है, 1 का है, इसका इस फ्रैक्शन का है। मतलब क्या हुआ कि 1/4 ये स्मॉलेस्ट हो गया, ये हम आपको लिख रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर 1/4 क्या हो गया स्मॉलेस्ट हो गया। अब देखेंगे कि अब ये बचा 5/4 और 2/4, अब इसमें देखें 1 से इससे इससे न्यूमरेटर किसका लार्ज है, ये है 2/4, अब हम लिखेंगे 2/4, अब 2/4 इस 2 से कौन सा लार्ज है, 5 वाला लार्ज है, ये हो गया 5/4। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा हो गया 1/4 और लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा हो गया 5/4। ऐसा हम तब करेंगे जब फ्रैक्शन क्या हो लाइक फ्रैक्शन। अभी धीरे धीरे करके आपको सारे टाइप हो जाएंगे। अब इसमें जरा आप देखें, थोड़ी देर आप सोच के देखें कि कौन सा स्मॉलेस्ट होगा और कौन सा लार्जेस्ट होगा। दो तरह के इसमें सवाल बनते हैं, पहला तो ये पूछता है कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट कौन सा है, उसको तो निकालना आसान है, बट कभी कभी पूछता है कि इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करिए, तब दिक्कत होती है। तब दिक्कत ये होती है कि हमको सभी को पता होना चाहिए कि कौन सा लार्ज है, फिर उससे लार्ज कौन सा है, फिर उससे लार्ज कौन सा है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्या सभी के डिनोमिनेटर सेम है, जी हाँ 7/9, 2/9, 8/9, 5/9, सबके डिनोमिनेटर क्या है सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर या न्यूमरेटर जिसका स्मॉल होगा वो स्मॉल होगा, सबसे स्मॉल होगा। तो ये 5/9 देखें, फिर क्या है 2/9, इसमें कौन सा स्मॉल होगा, 5 से 2 लेस है तो 2/9 क्या हो गया ये स्मॉल हो गया, फिर इससे लार्ज कौन सा है? ये आपका खत्म हो गया, फिर इससे बड़ा इससे लार्ज कौन सा 5/5 है तो 5/9 इससे बड़ा होगा, फिर ये भी क्रॉस हो गया, फिर 5 से ग्रेट कौन सा है 7 है तो 7/9, फिर लास्टली क्या है 8/9। तो ये हो गया सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन, ये हो गया आपका लार्जेस्ट और ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट, निकालना आपको आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन में आप खुद से ट्राई करके देखें एक मिनट के लिए कि कौन सा, अगर हम आपसे पूछें स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो सबसे पहले आप देखें क्या सबके डिनोमिनेटर सेम है, बिल्कुल सेम है, तो सबसे स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर 7, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट हो गया, और सबसे लार्जेस्ट कौन सा है बड़ा 14, तो ये सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो गया, आपको कुछ करना ही नहीं है इसमें। अब हम क्या देखेंगे, अब दूसरा देखते हैं टाइप सेकेंड, टाइप 2 में हम क्या देखें, चलिए टाइप 2, फर्स्ट टाइप हमने देख लिया कि जब डिनोमिनेटर सेम हो, सेकेंड टाइप इसका क्या है जब न्यूमरेटर सेम हो। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर जब सेम हो तो देखें 4/7, 4/5, 4/15, 4/19, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर का मीन्स जो डिजिट ऊपर लिखी हुई है। अगर इतना आपको समझ में नहीं आ रहा तो जाके आप फ्रैक्शन के दोनों लेक्चर पहले देखें तब आप समझ पाएंगे। अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा आपको उल्टा चलना पड़ेगा, उल्टा चलने का मतलब यह है कि जिसका डिनोमिनेटर लार्ज होगा वो फ्रैक्शन स्मॉल होगा,
वो फ्रैक्शन स्मॉल होगा। हम क्या लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना आपको आता है नंबर्स में। असेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए हमको क्या चाहिए कि सबसे पहले हमको स्मॉल चाहिए, सबसे स्मॉलेस्ट चाहिए। अब देखिए इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट ये है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर सेम है, तो न्यूमरेटर जब सेम हो तो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा जिसका डिनोमिनेटर लार्जेस्ट हो। तो 7, 5, 15, 19 में सबसे लार्जेस्ट डिनोमिनेटर 19, तो ये फ्रैक्शन सबसे स्मॉलेस्ट हो गया। अब ये वाला आपका गायब हो गया। अब देखिए 7, 5, 15 में उससे लार्ज कौन सा होगा, इससे लार्ज कौन सा होगा? ये 15 है, तो 15 है तो 15 क्या होगा? ये इससे बड़ा होगा, इससे लार्ज होगा, ठीक। फिर क्या आया? 4/7। अब देखिए जिसका लार्ज होगा डिनोमिनेटर वो फ्रैक्शन स्मॉल होगी, तो ये क्या हो गया? ये स्मॉल हो गया 4/7। फिर क्या है? सबसे लास्ट ये है। अब अगर हम आपसे पूछें कि सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ये तो ऑर्डरिंग करने के लिए जब आता है तो आप ऐसे करेंगे। अगर आपको इतना नहीं आ रहा है, खाली स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट ही निकाल पा रहे हैं, तब आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट 4/19 और सबसे लार्जेस्ट 4/5। तो अगर खाली ऑप्शन में अगर इतना ही पूछ रहा है वो कि सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, तो आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं। आप पहले देख लें क्या न्यूमरेटर सेम है, यहां सेम है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे लार्जेस्ट होगा, और सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट होगा। अब इसमें आप करके, इसमें आप करके देखें, देखें इसमें सबका न्यूमरेटर सेम है कि नहीं है? बिल्कुल सेम है, 12, 12, 12 सबका न्यूमरेटर सेम है। अब स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अरेंज आप करिएगा, हम सबसे स्मॉलेस्ट आपको बता दें। सबसे स्मॉलेस्ट, तो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन वो होगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे लार्जेस्ट है। देखिए 29 सबसे लार्जेस्ट है, तो ये हो गया स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। और सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको क्या करना है? हमको ये करना है कि सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन किसका है, सबसे स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर किसका। तो सबसे स्मॉलेस्ट ये 13, 17, 19 में सबसे स्मॉल या स्मॉलेस्ट 13 है, तो 12/13 ये क्या हो गया? सबसे बड़ा हो गया, सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो गया 12/13 और स्मॉलेस्ट हो गया 12/29। अगर यही किसी को हम सीरियल में अरेंज करने को कहें आपको, चलिए डिसेंडिंग वाला देख लेते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में करके हम देख लेते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, जो सबसे लार्जेस्ट होता है वो पहले लिखा जाता है। तो सबसे लार्जेस्ट कितना है? 12/13। फिर उससे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? ये 12/6। फिर उससे स्मॉल 12/19 और सबसे स्मॉल हो गया 12/29। यह हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की ओर जब हम चलते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो दो टाइप के आप सीख चुके, टाइप वन में कि जब डिनोमिनेटर सेम हो और टाइप टू में जब न्यूमरेटर सेम हो। अब आएगा टाइप थर्ड में क्या है कि जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर डिफरेंट हो, मतलब कोई सेम ना हो, ना न्यूमरेटर सेम हो ना डिनोमिनेटर सेम हो, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? इसको करने के दो तरीके हैं। पहला देखें, इसमें दो केस हैं। जब क्या हो, खाली जब ओनली टू फ्रैक्शन हो, जब टू फ्रैक्शन हो तब आप कैसे करेंगे? आप देखें 2/3 और 3/4 कितने फ्रैक्शन है? टू फ्रैक्शन। देखिए ना तो डिनोमिनेटर सेम है ना न्यूमरेटर सेम, तो इसको हम कैसे करेंगे? पहला काम तो ये करिए, अगर दो ही फ्रैक्शन है तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 4 2 8, 3 3 9, ठीक। अब आप देखिए इसमें कौन सा स्मॉल है, 8 और 9 में कौन सा स्मॉल है? 8 स्मॉल है, मतलब क्या हुआ? 8 किसके सामने है? 2/3 के, तो ये स्मॉल है, मतलब क्या हुआ कि 2/3 ये स्मॉल है किससे? 3/4 से। लेकिन ये काम आप तभी कर पाएंगे जब क्या हो, ओनली टू फ्रैक्शन हो, अगर टू से मोर हो गए तब आप इसको नहीं यूज कर पाएंगे। इसमें देख लें 3/4 और 5/12। अब जितने टाइप के भी आपने पढ़े, दो टाइप के, कि ना इसमें न्यूमरेटर सेम है ना इसमें डिनोमिनेटर सेम, फिर क्या करेंगे? तो आप सबसे इजी वे इसका है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 12 3 36 और 4 5 20। अब इसमें आप देखिए कौन सा लार्ज है कौन सा स्मॉल है। तो 36 लार्ज है
20 स्मॉल है तो 36 वाला कौन सा है 3/4, तो 3/4 ग्रेटर देन 5/12। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला भी आप सीख रहे हैं। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसी में एक चीज से आप और कर सकते थे, अभी आपको बताएंगे डिफरेंस मेथड या एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड से भी इसको कर सकते हैं 2/3, पहले एलसीएम वाला ही देख लेते हैं, और 3/4, तो 3 और 4 का आप क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो 3 और 4 का एलसीएम 12। ठीक, 12 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको यहीं सीख लीजिए, 2/3 मल्टीप्लाई 12 और 3/4 मल्टीप्लाई 12, कितना आया 3/4 या 12 और 4/3 या 12, तो ये हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका 9। ठीक, अब देखिए कौन सा लार्ज है, 9 वाला लार्ज है, तो 9 किसके सामने है 3/4 के, मतलब क्या हुआ 3/4 ये ग्रेटर है 2/3 के। एक तरीका, दो तरीके आपको पता चल गए, थर्ड वे क्या है, इसका तीसरा तरीका भी है। आप देखें 2/3 और 3/4, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस ले तो कितना आएगा, 2/3 का डिफरेंस 1 और 3/4 का डिफरेंस 1। ठीक, तो जब डिफरेंस सेम हो, जब डिफरेंस सेम हो, देखो यहां भी 1 है यहां भी 1 है, तो स्मॉल वो होगा जिसका न्यूमरेटर स्मॉल होगा। तो देखिए इसका न्यूमरेटर स्मॉल है, ये 2 है, ये 3 है, स्मॉल है, ये लार्ज है, तो 2/3 ये स्मॉल है 3/4। तो डिफरेंस वाला मेथड अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो बहुत ज्यादा आप घबराए नहीं, अभी आगे के क्वेश्चंस में आएंगे। अभी हम आपसे क्या कह रहे थे कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मेथड आप वहां यूज कर पाएंगे जहां मतलब टू फ्रैक्शन, अगर मोर देन टू फ्रैक्शन होगा तो क्रॉस वाला मेथड आप यूज करेंगे, होगा ऐसा नहीं है, लेकिन जब हमको खाली स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पता करना होगा तब होगा। बहरहाल अब देखिए इसमें 2 से ज्यादा फ्रैक्शन है और इसमें ना तो डिनोमिनेटर सेम है और ना डिनोमिनेटर सेम है, फिर हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट वे ये है कि आप क्या करें एलसीएम निकालेंगे, क्या करेंगे हम एलसीएम निकालेंगे, 8/6/4/6 कितना 8/6/4 वो भी 6 है, ये लिखेंगे उसको 8/6/4/6, इसका हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो कितना होगा एलसीएम 8/6/4 का एलसीएम हो गया 24, कितना आ गया 24। अब क्या करेंगे हम 5/8 ऊपर न्यूमरेटर और मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से, 2/6 मल्टीप्लाई 24, 7/4 मल्टीप्लाई 24 और 1/6 मल्टीप्लाई 20। आप इधर उधर नहीं लिखेंगे, उसी फ्रैक्शन के नीचे ही आप लिखते जाएंगे। अब देखिए 8 से डिवाइड करिए, 8/3 = 24, ये हो गया 6 और ये हो गया 4। अब देखिए 5/3 = 15, 8 = 42 और 4। अब इसमें आप देखें सबसे लार्ज नंबर कौन सा है, सबसे लार्ज नंबर कौन सा है 42, मतलब क्या हुआ कि 42 किसके सामने है 7/4 के, तो 7/4 आपका हो गया सबसे लार्जेस्ट अल्फा लार्जेस्ट, और सबसे स्मॉल कौन सा है इसमें देखें यह है 4, तो 4 किसके सामने है 1/6 के, तो स्मॉलेस्ट कितना हो गया स्मॉलेस्ट हो गया 1/6। अब अगर मान लीजिए इसी में हमसे पूछ रहा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हम असेंडिंग ऑर्डर अगर लिखें तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर लिखने में क्या होता है, हमको सबसे पहले हम क्या लिखते हैं स्मॉलेस्ट लिखते हैं, स्मॉलेस्ट कौन सा है चलिए इसी को इरेज करके यही लिख देते हैं, स्मॉलेस्ट इसमें देखिए 1/6 ये इसी के सामने ना, तो 1/6 हो गया स्मॉलेस्ट, ये असेंडिंग ऑर्डर है AO। फिर उससे लार्ज 8 है, 8 किसके सामने 2/6, फिर उसके बाद 8 के बाद कौन सा 8 के बाद है 15, 15 किसके सामने 5/8 के, और सबसे लार्जेस्ट कौन सा है 7/4। तो ये इसकी ऑर्डरिंग हो गई, इसकी क्या हो गई ऑर्डरिंग हो गई असेंडिंग या डिसेंडिंग। अब इसमें एक चीज आप लार्जेस्ट सबसे पहले बता सकते, लार्जेस्ट सबसे
पहले देखते ही आप बता सकते थे कि कौन सा लार्जेस्ट है। अगर खाली लार्जेस्ट तो देखें 5/8, 2/6 और 7/4 अगर सभी प्रॉपर फ्रैक्शन है और उसमें केवल एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन, सभी प्रॉपर फ्रैक्शन हो और उनमें कोई एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन हो तो वो फ्रैक्शन सबसे लार्जेस्ट होता है। तो देखिए 5/8 ये प्रॉपर है, 2/6 प्रॉपर है, 7/4 ये इम्प्रॉपर है और 1/6 भी प्रॉपर है। तो सबसे लार्जेस्ट कौन सा निकल के आता है आपका? लार्जेस्ट निकलता 7/4। अभी आपको हम आगे बताएंगे, फिलहाल ये आ गया था तो इसको ही हमने आपको बता दिया। अब अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम, इतनी चीजें हम सीख गए चार टाइप के, जब न्यूमरेटर सेम हो, जब डिनोमिनेटर सेम हो, और जब टू फ्रैक्शन हो ना उनके न्यूमरेटर सेम हो ना डिनोमिनेटर सेम हो, और हम ये भी सीख चुके हैं कि मोर देन टू फ्रैक्शन हो ना उनके डिनोमिनेटर ना न्यूमरेटर सेम हो, उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब आइए क्वेश्चन की बारी है, क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे लगता है। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपेयर द गिवन फ्रैक्शन बाई पुटिंग द राइट साइन, 1/5 और 1/11, 7/6 और 4/6। इसमें हम क्या देखेंगे, तो ही फ्रैक्शन है जिस तरह से आप करने, लेकिन इसमें हम ये देख रहे हैं कि न्यूमरेटर सबसे सेम है, न्यूमरेटर सेम है। तो अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर ग्रेट है वो स्मॉल होगा। तो देखिए ये क्या है, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, 11 क्या है ये लार्ज है, मतलब ये वाला क्या होगा स्मॉल होगा, स्मॉल जो ओपन होता है वो लार्ज की ओर होता है, जो क्लोज होता है वो स्मॉल की ओर होता है। क्या ऐसे आप कर रहे हैं, या आपको सेकंड में बताया था कि जब टू फ्रैक्शन हो तब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 11 1 जा 11, 5 1 जा 5। अब देखिए कौन सा ग्रेट है, 11 ग्रेट है, 11 किसके सामने है 1/5 के, मतलब ये ग्रेट, तो यहां ये वाला सिंबल आप लगा देंगे। तो चाहे जिस पर आप करें आंसर आपका आना चाहिए और कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन को रट करके आप सक्सेस नहीं होंगे। इसमें हम देखें 7/6 और 4/6 में कौन सा ग्रेट है और कौन सा स्मॉल है, ये हमको देखना। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एक चीज आपको मिल गई, तो डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर लार्ज होगा वो फ्रैक्शन लार्ज होगी। तो न्यूमरेटर 7 ग्रेट है, 4 से ये लार्ज होगा, या ऐसे ही एक ही उसमें देख लेते 7/6 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 4/6 ये प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर हमेशा प्रॉपर से लार्ज होता है, तब भी 7/6 लार्ज होगा। आपको कुछ करना ही नहीं था, ना न्यूमरेटर देखना था ना डिनोमिनेटर देखना था। थर्ड वे क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 7 जा 42 और 6 4 जा 24, 42 लार्ज है, 42 किसके सामने है 7/6 के। तो कैसे भी आप जाए, कैसे भी आप क्वेश्चन को करें, आंसर आपका आना चाहिए। ऐसा तब आप कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होगा। अब उस क्वेश्चन को करके देखिए, 3/6, 3/8, 3/4, इसको क्या करना है हमको, ये अलग अलग क्वेश्चन है, इनको क्या करना है हमको असेंडिंग ऑर्डर में, इसको हमको असेंडिंग ऑर्डर में राइट डाउन करना है। अब देखिए इसमें क्या चीज सेम है, वो चीज सेम आपको लग रही, हाँ न्यूमरेटर सेम, सबका न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है। फिर हम देखेंगे क्या कोई इंप्रॉपर फ्रैक्शन है, 3/6, 3/8, 3/4, कोई इंप्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। अब क्या करें, ठीक है, तो अगर न्यूमरेटर सेम हो, न्यूमरेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा वो स्मॉल होगा। तो किसका डिनोमिनेटर ज्यादा, 8 ये ज्यादा है, मतलब 3/8 ये क्या होगा, ये स्मॉल होगा। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट पहले लिखते हैं, फिर ये खत्म हो गया। अब देखिए 6 और 4 में कौन स्मॉल होगा, 6 ये वाला स्मॉल होगा, क्यों, क्योंकि 4 और 6 में इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो ये हो गया 3/6। और फिर क्या होगा, एक ही बचा 3/4, ये हो गया सबसे लार्जेस्ट। अगर इसी में पूछता है कि सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट होगा 3/8 और लार्जेस्ट होगा 3/4। इसमें करके देख लें आप, देखें न्यूमरेटर सेम है सबका, 1 1 1, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो जिसका डिनोमिनेटर ग्रेट होगा वो स्मॉल होगा, तो 1/16 ये स्मॉल हो गया, फिर 1/4, ठीक, फिर 1/2, मतलब लार्जेस्ट ये हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया, क्यों, क्योंकि असेंडिंग पूछ रहा है, डिसेंडिंग पूछता तो इसके उल्टा हम करते, 1/2 सबसे लार्ज है, पहले इसको लिखते। अब आइए 1, 3, 5 और 8, 2, 4, 8, इसमें आप देखें ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है ना इसमें इंप्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर क्या करेंगे, एक ही तरीका इसका है कि आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 2, 4 और 8, तो 2, 4 और 8 का एलसीएम होगा 8,
जिनको एलसीएम समझ में नहीं आता वो प्ले लिस्ट में जाए, एलसीएम का लेक्चर देख ले, वो 4 और 6। तो 1/2, 3/4 और 5/8, एलसीएम कितना 8 है, तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे कहां पे, न्यूमरेटर में। अब देखिए कट पिट जाएगा, तो ये हो गया 4, ये हो गया 6 और ये हो गया 5, 4, 6 और 5। तो 4, 6, 5 में आप देखें कौन सा इसमें लिखना असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले स्मॉलेस्ट लिखते हैं, तो 4 स्मॉलेस्ट कौन सा, 1/2 स्मॉलेस्ट हो गया, 1/2 ये स्मॉलेस्ट हो गया। फिर उससे लार्ज कौन सा है, 5/8, क्यों, क्योंकि ये 5 है, ठीक, तो ये हो गया 5/8। और सबसे लार्ज कौन सा है, ये 6 है, तो 6 के सामने 3/4, ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर, 1/2, 5/8 और 3/4। सेवन बाई एट, 8/9, 9/10 और 10/11। अब इसको किसमें अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना। अब आप सोचिए 7/8, 8/9, 9/10, 10/11, इसमें ना तो न्यूमरेटर सबसे सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, ठीक, ना 8, 9, 10 और 11 का आप एलसीएम लेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर एक आपको डिफरेंस वाला बताया था ना, फिर आप देखें कि 7/8, 8/9, 9/10 और 10/11 क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस कितना कितना है। देखिए इसमें डिफरेंस 1 है, इसमें भी डिफरेंस 1 है, और इसमें भी डिफरेंस 1 है, और इसमें भी डिफरेंस, ठीक, सब में डिफरेंस 1, 1, 1 है। आपको बताया था कि अगर डिफरेंस सेम होगा तो जिसका न्यूमरेटर स्मॉल होगा वो फ्रैक्शन स्मॉल होगी। तो 7/8 देखो, अब इसको हमको नहीं देखना, ये आप देखें सबका डिफरेंस सेम है, तो न्यूमरेटर किसका स्मॉल है, 7 का, तो 7/8 ये स्मॉल हो गया। फिर 7 से बड़ा कौन सा, 8/9, फिर 8 से इसको देखना है, फिर इससे बड़ा ये है 9/10, फिर इससे बड़ा ये है। तो हमको अपने तर्कस में सारे तीर रखने हैं कि कौन सा कहां यूज करके हम प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो डिफरेंस अगर सेम है, डिफरेंस अगर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर स्मॉल होगा वो फ्रैक्शन स्मॉल होगी, जिसका न्यूमरेटर ग्रेट होगा वो फ्रैक्शन ग्रेट होगा। अब देखिए अगर आप एलसीएम वाले से करते, किससे करते, एलसीएम वाले से, तो 8, 9, 10 और 11 का एलसीएम निकालते, फिर वो और बड़ा आता, फिर यहां मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते, फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते, फिर आप करते। तो जो बच्चा इस चीज को जानता है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत सारे रेज मेथड जानता है, बहुत सारे मेथड को उसको पता है, तो वो इसमें देखा कोई काम नहीं कर रहा, डिफरेंस वाला देखा सेम आ गया, ठीक, अरेंज कर दिया उसने और वो आगे चला जाएगा। टाइप फोर हम आपको बता चुके हैं कि अगर व्हेन प्रॉपर एंड इनप्रॉपर फ्रैक्शन आर प्रेजेंट फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन, ऐसा सीरीज दिया हो जिसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों, लेकिन इसमें एक ही एक कंडीशन यह है कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है तो वो एक ही होगा, एक ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया, तब आप इसको यूज करेंगे। देखिए 7/12, 4/5 और 14/11 और 18/9। अब इसमें आप देखें, इसमें आप देखें क्या करेंगे, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 14/11, ये तो हमको मिल गया लार्जेस्ट, हमने आपको बताया था कि सभी प्रॉपर में अगर कोई इम्प्रॉपर है तो वो लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। अब हमारे पास बचे कितना, 7/12, 4/5 और 18/9। अब इसमें हमको स्मॉलेस्ट निकालना है, इसमें हमको क्या करना, स्मॉलेस्ट निकालना। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए अगर 12, 5 और 19 का एलसीएम लेंगे तो ये और बड़ा आएगा, फिर हम क्या करें, अब डिफरेंस की ओर आते हैं, इसका डिफरेंस कितना है, ये हो गया 5, तो जितना भी डिफरेंस आए उसको आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे, इसका डिफरेंस कितना है, 1। अभी आपको इसमें भी हम ट्रिक बता देंगे कैसे आप करेंगे, 4, 1, इसका डिफरेंस कितना है, इसका भी डिफरेंस 1, ठीक, और ये आपका हो गया 7। तो 5, 1, 1, अब देखो डिफरेंस सेम नहीं, डिफरेंस सेम नहीं, तो अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो फिर हम डिफरेंस का एलसीएम लिख देंगे, 5, 1, 1 का एलसीएम कितना होगा, 5, तो जैसे ही एलसीएम आए आप क्या करेंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो ये देखिए, ये इससे हो गया कैंसिल, तो ये हो गया 7,
ये हो गया 20 और ये हो गया 9, ठीक है। अब इसमें आप देखें, इसमें आप देखें कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, इसमें आपको क्या निकालना, अच्छा लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालना, तो ये तो लार्जेस्ट हमको मिल गया, स्मॉलेस्ट हमको पता करना। अब इसमें आप देखें स्मॉलेस्ट कौन सा, ये तो 7/12 ये हो गया इसमें, कितना इजी निकल आया। वैसे ही आप निकालते 12, 5 और 19 का एलसीएम लेते, बहुत बड़ा एलसीएम आता, फिर डिवाइड करते, तो देखिए कितना इजीली हो गया, ठीक। या आप ऐसे कर लेते 4/5 और 18/19 में लार्ज कौन सा है, हमको क्या खोजना, हमको स्मॉल खोजना, तो देखिए दोनों का डिफरेंस सेम है, तो जो नंबर स्मॉल जिसका न्यूमरेटर स्मॉल है वो स्मॉल होगा, तो 4/5 देखिए ये स्मॉल होगा इन दोनों में, ठीक है। अब अगर हम इसको इसको लड़ाएं, इसको इसको लड़ाएं, तो कौन सा हमको स्मॉल मिलेगा, देखिए 5 × 35 और 12 × 45, तो ये वाला हमको स्मॉल मिलेगा, तो आया तो वही आंसर, तो वही आएगा। अगर इन प्रॉपर फ्रैक्शन की सीरीज दी हुई है, क्या दी हुई है, इन प्रॉपर फ्रैक्शन की सीरीज दी हुई, सीरीज का मतलब कि जितने भी उसमें 2 से ज्यादा है वो क्या है, इन प्रॉपर, सभी इन प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब क्या करेंगे, क्या लगाएंगे सीरीज ऑफ इंप्रॉपर फ्रैक्शन एंड डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम, देखिए ये इंप्रॉपर है 16/15, ये सारे के सारे इंप्रॉपर। अब इसमें क्या देखेंगे आप, डिफरेंस सबका 1-1 सेम है, कोई जरूरी नहीं बना है 3-3 भी आ सकता है, डिफरेंस सेम आना चाहिए, डिफरेंस सबका सेम है। अब हमको क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट हमको वो मिलेगा जिसका न्यूमरेटर लार्जेस्ट होगा, तो ये देखिए 16, 20 और 8 और 5 में सबसे लार्जेस्ट न्यूमरेटर कितना है 20, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट 20/19 में स्मॉलेस्ट होगा। अब लार्जेस्ट कौन सा होगा, जिसका न्यूमरेटर स्मॉल होगा वो सबसे लार्जेस्ट होगा, तो 5/4 ये क्या हो गया, ये लार्जेस्ट हो गया और ये स्मॉलेस्ट हो गया। बस आपको यही थोड़ा सतर्क रहना है कि अगर इंप्रॉपर की सीरीज दी हुई है, सभी फ्रैक्शन क्या है, इंप्रॉपर है और डिफरेंस सेम, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि सीरीज इंप्रॉपर क्यों होनी चाहिए और डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो जिसका न्यूमरेटर लार्ज होगा वो स्मॉल होगा, डिनोमिनेटर नहीं देखना इसमें। अब इसमें देखें कह रहा है इन सर्किल द बिगर फ्रैक्शन, कौन सा बिगर है, इसको दूसरे तरह भी पूछ सकता है कि पुट द प्रॉपर साइन, तो बिगर कौन सा है, अब आपको बता फटाफट कर लीजिए, देखिए इसमें सबके क्या सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम होने पे सबसे जिसका न्यूमरेटर लार्ज होगा वो लार्ज होगा, तो देखिए ये लार्ज हो गया, क्या आप ऐसे कर ले, आपको बताया था सेकंड में, आपको क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया 24 और ये हो गया 56, देखिए ये बड़ा है, हो गया काम खत्म। इसमें भी आप देख लीजिए, चाहे उस तरह कर लीजिए और चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 × 5, 5, 5, ये ग्रेट हो गया। इसमें आप देखें, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमने आपसे क्या कहा था कि जब टू फ्रैक्शन दिए हो तो आप उनको क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लीजिए, तो ये हो गया 28 और ये हो गया 48 लार्ज। अब देखिए इसमें कई आ गए, कितने आ गए, कई आ गए, इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई से कर नहीं पा रहे। अब इसमें क्या कह रहा है, अरेंज करने कह रहा है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पूछ ही नहीं रहा, तो अगर आप उतने खाली पढ़ते गए स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट तो नहीं कर पाएंगे। फिर आप देखिए पहला कांसेप्ट आपको बताया था कि जब डिनोमिनेटर सेम हो, तो क्या सबका डिनोमिनेटर सेम है, हाँ सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम होने पर जिसका न्यूमरेटर स्मॉल होगा वो फ्रैक्शन स्मॉल हो, तो सबसे स्मॉल कौन सा है, 2/9, ये सबसे स्मॉल हुआ। फिर इससे लार्ज कौन सा होगा, 3/9, क्यों, क्योंकि 2 से ग्रेटर 3, फिर कितना है 5/9, फिर कितना 6/9, मतलब अगर लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट पूछता तो 2/9 स्मॉलेस्ट है, 6/9 लार्जेस्ट है। इसमें आके देख रहे हैं आप, अब इसमें न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम का मतलब ऊपर वाली संख्या सेम है, तो सबसे असेंबली में लिखना है, तो जो सबसे लार्जेस्ट डिनोमिनेटर है, देखिए 3 ये 25 ये लार्ज है, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, ये सबसे स्मॉल होगा ना, फिर डिनोमिनेटर लार्ज है, ऐसा तब होगा जब न्यूमरेटर सेम है। फिर इससे इससे आप देखें इससे छोटा कौन सा है, 20 11/20, फिर उससे छोटा कौन सा है 18 11/18, फिर उससे छोटा कौन सा है 11/17, फिर कितना है 11/15, मतलब ये क्या हो गया, ये सबसे लार्जेस्ट हो गया और 11/25 सबसे स्मॉलेस्ट हो गया। अब इसमें आप आके देखें, करके देखें, फटाफट कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं, करके देखें, देखिए 3/8 और 21/24, सबसे पहले इसमें देखें कोई इंप्रॉपर फ्रैक्शन है, नहीं है, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ऐसा भी कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर क्या करेंगे, 3/8 और इसका वो भी नहीं सेम है डिफरेंस, फिर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है,
क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 24 और 3 बाई 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 72, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 16। अब आप देखें कौन सा बड़ा है, कौन सा ग्रेट है, 168 ये किसकी तरफ है, या आप एक काम और कर लेते हैं, इसको रिड्यूस कर लीजिए, 37 जा और 38 जा, 7/8 और 3/8, ठीक। अब आपको देखिए ये नहीं है कोई एक ऐसा ट्रैक नहीं पता है कि हमको सिर्फ इतना जानना, आप जिस तरह कर सकते हैं उस तरह कर लीजिए, तो 3/8 और 7/8 हो गया। अब इसमें आप देखें दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, तो देखिए 7 बड़ा है, बात बराबर होगी, 7/19 और 11/25, इसमें आप देखें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए और कुछ काम हो नहीं रहा, तो 12 डिफरेंस अगर हम निकालें तो 12 होगा और इधर कितना 14 होगा, डिफरेंस भी सेम नहीं है, तो सबसे इजी अब क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों में देखिए कौन सा बड़ा है कौन सा ग्रेट है, तो 209 ये ग्रेट है, मतलब ये इसके नीचे ना इसी को मल्टीप्लाई किया था इतना आया, तो ये ग्रेट का साइन लग गया। अब देखिए 4/5, 7/8, 6/7 और 5/6 किसमें लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, तो 5/8, 7/6 इसका अगर हम एलसीएम निकालें तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और ना डिनोमिनेटर सेम है ना न्यूमरेटर सेम, फिर क्या करेंगे लास्ट में ट्राई करेंगे डिफरेंस वाला, देखिए इसका डिफरेंस 1, इसका भी डिफरेंस 1 और इसका भी डिफरेंस 1 और इसका भी डिफरेंस 1, ठीक। तो जब सभी के डिफरेंस सेम हो तो हमने आपको क्या बताया कि जिसका न्यूमरेटर लेस होगा वो फ्रैक्शन लेस होगी, तो इसमें लेस देखिए 4/5 भी स्मॉलेस्ट हो गया, 4 से बड़ा 5/6, फिर 6 ये दोनों हो गए, फिर क्या हो गया 6/7 और फिर सबसे लार्जेस्ट हो गया 7/8, ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं पूछ रहा, इसमें आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फ्रैक्शन पूछ रहा है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, क्या करेंगे इसमें 12, 15, 16, 19, 18, 21, तो ना डिनोमिनेटर सेम है ना न्यूमरेटर सेम है और एलसीएम भी नहीं निकाला जा सकता, भाई निकालेंगे बात थोड़ी है कि निकाला नहीं जा सकता, लेकिन वो बड़ा नंबर आएगा बिग नंबर आएगा, फिर क्या करेंगे हम डिफरेंस मेथड ट्राई करते हैं, तो 12 और 15 का ये डिफरेंस भी सेम 3, ये भी 3 और ये भी 3, 3 दोनों सेम हो गए। अब क्या करेंगे हम, जब आपको बताया था कि डिफरेंस सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर स्मॉल होगा वो फ्रैक्शन स्मॉल होगी, तो देखिए क्या असेंडिंग डिसेंडिंग पूछे, फिर उससे ये हो गया, फिर उससे ये हो गया, तो आप देखिए सबसे लार्जेस्ट ये हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट ये हो गया, कितना इजी हो गया, ना आपको एलसीएम निकालना पड़ा ना आपको कुछ निकालना पड़ा, ऐसे ही इसमें आप करके देख लीजिए, देखिए डिफरेंस सबका सेम और नहीं आप डिफरेंस करना चाहिए 8, 9, 10, 13, 16 का एलसीएम निकालें फिर आप उस तरह करें, तो डिफरेंस सबका सेम है, स्मॉलेस्ट कौन सा होगा यही होगा, लार्जेस्ट कौन सा होगा नहीं होगा, कुछ किया ही नहीं, कुछ हमने किया ही नहीं, समय एक एक का डिफरेंस है तो डिफरेंस सेम है, तो स्मॉलेस्ट जिसका न्यूमरेटर स्मॉल होगा स्मॉलेस्ट, जिसका न्यूमरेटर लार्ज होगा वो लार्जेस्ट, करा 7, 12, 4, 5, 14, 11, 18, 19, 15, 16 करा इसमें लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट पूछ ही नहीं रहा, लार्जेस्ट कौन सा है, तो आप देखिए ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, फिर क्या इसमें कोई इंप्रॉपर फ्रैक्शन है, जी हाँ, तो अगर सभी प्रॉपर में एक इंप्रॉपर फ्रैक्शन हो तो वो सबसे लार्जेस्ट होगा, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, बस सारे कॉन्सेप्ट को आप मेमोराइज किए रहिए, कहां हमको यूज करना, तो ये हो गया सबसे लार्जेस्ट, फिर खत्म। इसमें देखिए फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन कैसे निकालें, 7/11, 13/18, 9/29, ना न्यूमरेटर सेम ना डिनोमिनेटर सेम ना डिफरेंस सेम, डिफरेंस करके देख लेते हैं सेम आता नहीं आता, तो ये हो गया 4 का डिफरेंस, इसमें है 5 का डिफरेंस और इसमें है 20 का डिफरेंस, अब डिफरेंस भी सेम नहीं, फिर क्या करेंगे, देखिए न्यूमरेटर लिखिए और जो डिफरेंस आया है उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया, आपको बताया था अगर सेम नहीं आ रहा तो ऐसे करेंगे, अब 4, 5, 4, 20 का एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 4, 5, 20 का आएगा 20, ऊपर 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये देखिए इससे कैंसिल हो गया, ये 5, 4 जा 20 और 4, 5 जा 20, 7, 5 जा 35
और ये हो गया 52 और ये हो गया 9। अब आप इसमें देख लीजिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 9 किसके सामने, 9/20 स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो गया 9/29, ठीक है। और लार्जेस्ट कौन सा हो गया, 52 किसके सामने, 13/18 और 7/11, ठीक। ये ऐसे अरेंज कीजिए, अगर सीरियली अरेंज करने को कहता तो सबसे पहले आप 9 वाला लिखते, 9/29 और 9 से फिर ग्रेट कौन सा है, 35 है, 35 किसका है, 7/11 का, और सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, 13/18, क्यों, क्योंकि ये 52 है। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में पूछता है तो आप इस तरह लिखते हैं। इसको करके देख लीजिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन, तो आप कर ही ले जाएंगे, करके आप ट्राई करिएगा। अब आते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक तो हमने फ्रैक्शन हमको लिखा लिखाया मिल गया, हमने उसको कर लिया, लेकिन अब शेडेड और अनशेडेड पोर्शन क्या, हमको इमेज देखकर पूछता है कौन सा ग्रेट है कौन सा स्मॉल है। तो आप एक तो पहला काम ये देख लेंगे करके कि किसमें कलर पोर्शन का एरिया ज्यादा है, कलर पोर्शन का एरिया ज्यादा बड़ा कौन सा, ठीक है। अब देखिए ये बड़ा दिख रहा है आपको, ये देखिए ज्यादा पोर्शन, अगर सीधा देखिए ये भी लाइन सीधी, ये भी लाइन सीधी, इसमें यहां तक है इसमें यहां तक, तो ये बड़ा है, एक तरीका तो ये। लेकिन ये अंदाजा लगा के आप करेंगे तो रंग भी हो सकता है, क्या हो सकता है, रंग भी हो सकता है। अब दूसरे तरीके से हम आपको बता रहे, शेडेड पोर्शन और अनशेडेड पोर्शन का पहला लेक्चर जो आप अगर देखे होंगे तो इसको आप फ्रैक्शन में लिखिए, इसको किसमें लिखिए, फ्रैक्शन में, कैसे लिखेंगे, यस काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए शेडेड पोर्शन कितना, 1, 2, 3, तो यह हो गया 3/7, ठीक। अब उसमें आप काउंट कर लीजिए, यहां से काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये हो गया 3/10, 3/10 दोनों का हो गया, इसका भी हो गया और इसका भी हो गया, या ऐसे इसमें हाथ मिटा के हम इसको लिख देते हैं 3/10। जिनको लिखना नहीं आता वो जाके पहला लेक्चर इसका देखें। अब देखिए न्यूमरेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंट है, स्मॉल लार्ज कौन होगा, लार्ज जो होगा जिसका न्यूमरेटर स्मॉल होगा, मतलब ये वाला आपका लार्ज हुआ और ये वाला आपका स्मॉल हुआ। आपको एक तरीका ये पहले बताया था कि जो देखने में ऐसा लग रहा हो कि ज्यादा उसका कलर पोर्शन है तो वैसे भी आप कर सकते हैं। इसमें आप देख लें ज्यादा कौन सा दिख रहा है, बड़ा कौन सा दिख रहा है, जो कलर पोर्शन है वो बड़ा कौन सा दिख रहा है, ये वाला बड़ा दिख रहा है, ये ज्यादा है, ऐसे कर, इसमें कह रहा है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, या इसको कह देता है असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करिए। तो आप पहले क्या देखेंगे, हम पहले हम ये देखेंगे कि किसमें कलर पोर्शन ज्यादा है, देखिए इसमें ज्यादा है तो ये बड़ा हो गया, ये लार्जेस्ट हो गया, सबसे कम किसमें है इसमें, तो ये हो गया स्मॉलेस्ट हो गया, ठीक है। अब अगर आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ ले, इसके बाद कौन सा होगा, इसके बाद कौन सा होगा, इसके बाद कौन सा होगा, तो अब देखिए इसी में या तो आप सबके फ्रैक्शन लिखिए, सबके फ्रैक्शन लिख दीजिए फिर कंपेयर करिए, या ऐसे देख के कर दीजिए, देखिए ये लार्जेस्ट है, मान लो असेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे पहले स्मॉलेस्ट लिखते हैं, हम एबीसी लिख देते हैं, ए बी सी और डी, तो स्मॉल कौन सा होगा, ए होगा, फिर उससे लार्ज कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि इसमें देखिए इतना पोर्शन शेडेड है और इसमें थोड़ा कट है, उसके बाद ये बी वाला होगा, फिर उसके बाद सी वाला होगा, सबसे लार्ज कौन सा होगा, डी वाला, तो आप ऐसे भी करके देखें। अब ट्रायंगल में आप देखें स्मॉलेस्ट कौन सा, आप देखिए बताएं सबसे कम शेडेड पोर्शन किसमें, सबसे कम इसमें है तो ये हो गया स्मॉलेस्ट, और सबसे ज्यादा किसमें है, देखिए इसमें ये हाफ पोर्शन है, इसमें ज्यादा है तो ये हो गया लार्जेस्ट, चाहे आप ऐसे करके देख लें, या आप उनको फ्रैक्शन में लिख लीजिए, तो ये देखिए शेडेड पोर्शन कितना है 1/3, ये कितना है 1/2, ये कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया 1/6, तो सबके क्या है, सबके न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर मोर होगा वो स्मॉल होगा, 1/6 वाला ये स्मॉल हो गया, मोर कौन सा है, ये सबसे कम डिनोमिनेटर है ये हो गया मोर, ऐसे भी आप कर सकते हैं, सीरियली अरेंज करना है तो 1/2 सबसे बड़ा। अब ये वाला आप देखिए, इसे अगर अरेंज करके आप बताएं असेंडिंग और डिसेंडिंग, तीन चीज पूछा, राइट द शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, अरेंज देम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन बिटवीन द फ्रैक्शन, ठीक। तो अब आप देखें हमको क्या करना है, हम चलिए इसको असेंडिंग कर लेते हैं, हम इसको क्या कर लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे पहले स्मॉलेस्ट हम देखेंगे, तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, देखिए ए बी सी हम लिख देते हैं, ए बी सी और डी, तो देखिए सबसे कम येलो पोर्शन किसमें है, ए में, ये हो गया स्मॉलेस्ट, ए हो गया,
फिर उससे ज्यादा किस्में हैं, कैसे आप पता करेंगे? देखो वो तो दिख रहा है ना, वो तो दिख रहा है, देखिए इसमें कितना 1, 2, 3, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 4 है, ठीक है। तो ए से बड़ा कौन सा है? डी है, डी वाला लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे। अब 3 से ज्यादा कौन सा? 4 किसमें है? 1, 2, 3, 4, इसमें 3 है, इससे ज्यादा इसमें है, तो ये हो गया आपका बी। और सबसे ज्यादा किसमें है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें सबसे ज्यादा है, ये हो गया। ऐसे नहीं आगा, मतलब क्या हुआ कि सी क्या है? लार्जेस्ट है, और ये क्या है? स्मॉलेस्ट है। तो ऐसे कभी कभी इमेज वाला भी देखे पूछता है, या आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो आप सबके फ्रैक्शन लिख दीजिए। देखिए कितने इसमें है, 1, 2, 3, 4, अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये कितना? ये 3/8, ये कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये भी 8 है, तो 2 इधर और बचा कुछ है, 6/8, ठीक। इसमें आप देखें 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये हो गया 4/8, और ये हो गया 1/8, मेरे ख्याल से 1/8 होगा, ठीक है, 1, 2, 3, 4, हाँ 1/8 हो गया। अब इसमें आप देख लें कि डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर जिसका इस्तेमाल होगा वो इस्तेमाल होगा, तो 1/8 ये इस्तेमाल होगा, 1/8 किसका है? इसका है, ये वाले का, ए बी सी डी, ऐसे हम लिख लेते हैं। अब 1/8 से देखिए ये 3/8 वाला आएगा, 3/8 आएगा, फिर उससे बड़ा 4/8 आएगा, फिर आएगा 6/8, तो सबसे लार्जेस्ट ये हो गया। तो 6 देखिए, 6/8 किसका है? सी का, तो सी हो गया सबसे लार्जेस्ट, और ए हो गया सबसे स्मॉल, फिर हो गया डी, और फिर हो गया सी, सॉरी फिर हो गया बी, 4/8 बी का इसका। तो आप कैसे भी करें, आपकी समझ में अगर आ गया तो आप घुमा फिरा को चाहे जैसे दे आप कर ले जाएंगे। इसको आपका होमवर्क है, इसको आप करके देखिएगा, या जो नहीं कर लीजिए चलिए कराइए मेरे। इसमें आप थोड़ी देर सोच के देखिए, असेंडिंग और डिसेंडिंग हम बता रहे हैं आपको कैसे लिखना है, एबीसीडी नंबरिंग कर देते हैं। अब सबसे स्मॉल कौन सा होगा? सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? तो देखिए सबसे कम, अब कभी कभी ऐसा होता है कि आप उसे देखते रहेंगे और आपकी समझ में नहीं आएगा। देखिए इसमें 4 बॉक्स हैं, 1, 2, 3, 4, 4 बॉक्स का है, इसमें 3 है, तो सबसे ले सही है, तो सी वाला क्या हो गया? स्मॉलेस्ट हो गया, असेंडिंग ऑर्डर के लिए लिख रहे हैं। अब सबसे ज्यादा किसमें है? कलर मोशन, इसमें ज्यादा है, तो सबसे लार्जेस्ट कौन सा हो गया? ए हो गया। आपको कुछ करना ही नहीं, आपको कुछ करना ही नहीं, ठीक है। या आप फ्रैक्शन लिख लीजिए, फ्रैक्शन लिख के आप कंपेयर करिए जैसी आपकी मर्जी। तो फ्रैक्शन में इतनी चीजें हम सीख चुके, कंपेयर करना भी सीख चुके, और शेडेड पोर्शन, अनशेडेड पोर्शन, प्रॉपर इम्प्रॉपर, इन सब का हम कंपेयर करना सीख चुके, कौन सा लार्ज है कौन सा स्मॉल है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी हम सीख चुके। अगले लेक्चर में हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे, कि फ्रैक्शन को कैसे हम ऐड करते हैं और उनको कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो धीरे धीरे चलते हैं और आप हमारे साथ बने रहें। अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा हौसला बढ़े और आपका फायदा हो। थैंक यू।